हाँ जी 241 पॉइंट है जी, सर्जरी दी पोस्टीरियर नेक कैन कॉज डैमेज टू विच स्ट्रक्चर, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व जो होती है सबस्टांस ऑफ स्टेनोक्यूलर डायमास्टाइड में से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद 242 पॉइंट है एनेबल टू ओपन माउथ विच मसल पैरालाइज, जब आप एल बोलते हो तो आप अपना माउथ ओपन करते हो एल, ठीक है, तो ओपन माउथ लैटरल डेरिवेट, एल से लैटरल डेरिवेट, और जब क्लोज करते हो माउथ तो यू स्पीक एम एम, ठीक है। तो व्हाइल यू से एम यू योर माउथ क्लोज, मीडियल डेरिवेट जो होता है वो क्लोज करता है माउथ को एम फॉर मीडियल डेरिवेट। मैसेटर जो होता है एलिवेट करता है जॉ को, ठीक है, टेम्परेलिस भी एलिवेट करता है और रिट्रैक्ट करता है जॉ को, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल इज डन बाय लैटरल डेरिवेट, प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल जो होती है वो लैटरल डेरिवेट करवाता है, डैमेज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट वो डिसलोकेशन वो भी लैटरल डेरिवेट ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, तो लैटरल डेरिवेट के बारे में जो है सिंपल सिंपल वही है कि अनेबल टू ओपन आर माउथ, ठीक है, तो पैरालाइज कौन सा होगा लैटरल डेरिवेट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन में लैटरल डेरिवेट, एक्सेसिव जॉइनिंग विच मसल लैटरल डेरिवेट, प्रोवाइड फॉरवर्ड ट्रैक्शन ड्यूरिंग द ओपन माउथ लोअर फाइबर्स ऑफ लैटरल डेरिवेट, पार्शियली इंटरसेक्ट टीएमजी जॉइंट लैटरल डेरिवेट। मैसेटर के बारे में क्या है, मैसेटर जो होता है वो होता है जॉ क्लोजर, मैसेटर होता है जॉ क्लोजर, माउथ क्लोजर कौन सा होता है मीडियल डेरिवेट, माउथ क्लोजर कौन है मैंने डेरिवेट बताए थे, जबकि जॉ को जो क्लोज करता है वो होता है मैसेटर, ठीक है। तो मैसेटर और साथ इंटीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिक भी होता है, पर मैसेटर इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। तो मैम का जो एम है, मैम आती हैं तो आप खड़े हो जाते हो, यानी जो है आप एलिवेशन और साथ जो है अपना मुंह बंद कर लेते हो, तो जो होता है जॉ क्लोजर वो होता है जी मैसेटर। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबल डिसलोकेशन इंटीरियर होती है, प्रोप्रियोसेप्शन टीएमजी मसल डोमेस्टिकेशन हार्ट पैरेट एंडोडियन परसीव्ड बाय मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। जो जॉ रिफ्लेक्स होता है ना जॉ जेमिनल, वो ट्राइजेमिनल नर्व, और कौन सा न्यूक्लियस मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस। डिस्क ऑफ टीएमजी अटैचेस टू कंडाइल ऑफ मैंडिबल पर्विस लिगामेंट को लेटरल लिगामेंट, व्हिच हेल्प्स टू व्हाट हेल्प्स टू स्टेबलाइज टीएमजी इन कैविटी कैप्सूल, विच लिगामेंट गिव स्टेबिलिटी एंड कीप्स टीएमजी इन पोजीशन टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, जेनिकुलेट गैंग्लियन जो होता है मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर में होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन एंड स्विंग मसल आल्सो टेंडर ऑन पैल्पेशन, मसल इन्वॉल्व्ड इज मैसेटर, पेरोटिड स्वेलिंग ऑन पेन थ्रू कंप्रेशन ऑफ ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, पेरोटिड की स्वेलिंग की जो पेन होती है। आफ्टर ट्रॉमा टू मैंडिबल लोअर टीथ एंड चिन सेंसेशन आर लॉस्ट, विच नर्व इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व विच इज ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। बॉक्सर गॉट ट्रॉमा ऑन मैंडिबल व्हाट हैपन, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लोअर टीथ एंड गम, ठीक है। 243 पॉइंट है ग्लेनॉइड फोसा इज अ पोर्शन ऑफ विच बोन, तो वो स्कैपुला का पार्ट होता है। वेल मैंडिबुलर फोसा जो होता है वो डिप्रेशन होता है इन टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन में मैंडिबुलर फोसा, और ग्लेनॉइड फोसा जो होता है वो स्कैपुला में होता है। उसके बाद मैस इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा स्टार्ट इरोडिंग फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, विच स्ट्रक्चर इज लाइकली टू इन्वॉल्व ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, अ ट्यूमर इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इनवेड्स द मिडल क्रेनियल फोसा, विच बोन विल हैव टू क्रॉस द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, अ पेशेंट फील्स अ स्वेलिंग इन द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा व्हेनेवर ही कर्व्स ही गिव्स हिस्ट्री दैट इज शॉर्ट इन द नेक सम इयर्स बैक, मोस्ट लाइकली लीगन का होगा सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। ट्रू अबाउट ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, अब ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लाइज इन द एपेक्स ऑफ पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इन द मिडल क्रेनियल फोसा, पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इन द मिडल क्रेनियल फोसा में होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंड जेड 244 पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड एंड जेड लोअर बॉर्डर ऑफ L1 का लोअर बॉर्डर इन अडल्ट और L3 का अपर बॉर्डर इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। कोनस मेडुलेरिस क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स इन ए कोन शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोनस मेडुलेरिस, और उसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल जो होता है इट इज नथिंग बट पायामेटर, उसके इर्द गिर्द जो होता है अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर एक स्पेस बना देते हैं, वो भी S2 तक जाते हैं और स्पेस बना देते हैं जिसे कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस, और S2 तक जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो होता है जी कोक्सीजियल लिगामेंट, ठीक है। और अगर कहें कि कोक्सीजियल सेगमेंट कहाँ होता है तो वो L1 तक होता है, ठीक है। अच्छा, S और L कभी इकट्ठे नहीं आते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी लंबर पंक्चर बिलो L4, ठीक है, L4 और L5 के दरमियान होता है, ठीक है, इवन L थ्रू L3 L4 भी बाज कहती हैं कि जी ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन बिलो L2, सब रेकनाइट स्पेस एंड जेट S2 S3, ठीक है। पायामेटर एक्सटेंशन सल्का एंड फिशर्स ऑफ द ब्रेन क्वाड्रा इक्वाइन एंटीरियर पोस्टीरियर रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम L1 टू L5, ठीक है। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है।